मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजय श्रीवास्तव की पत्नी अनीता के नाम शोक संदेश में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि अजय कुमार श्रीवास्तव का निधन परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्मा को चीर शांति प्रदान करें तथा आप सभी परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दे। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की, जिसको जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व नगर विधायक ने अजय श्रीवास्तव के घर देर रात पहुंचकर 5 लाख का चेक उनकी पत्नी अनीता को सौंपा। वहीं सदर सांसद रवि किशन ने गोरखपुर न्यूज के उप संपादक अजय श्रीवास्तव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अजय श्रीवास्तव बहुत मेहनती पत्रकार व मिलनसार व्यक्ति थे तथा वह हमारे हर न्यूज को कवर करते थे तथा 2 दिन पहले न्यूज कवरेज के दौरान उनका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, जिनको इलाज के लिए जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज तथा उसके बाद लखनऊ PGI ले जाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि पत्रकारों का जीवन कितना कठिनाई से गुजरता है तथा पत्रकारों से अपील है कि वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि पत्रकार ही है जो हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं तथा समय से पहले न्यूज़ कवर करके दिखाते हैं तथा समय से सो नहीं पाते और जल्दी उठ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अजय श्रीवास्तव के परिवार को अपने राहत कोष से 5 लाख की आर्थिक सहायता भिजवाई है, जिसको जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व नगर विधायक ने अजय श्रीवास्तव के घर देर रात पहुंचकर 5 लाख का चेक उनकी पत्नी अनीता को सौंपा है। उन्होंने कहा उनके परिवार से शीघ्र ही मिलकर उनकी समस्याओं को जानकर निस्तारण किया जाएगा तथा आगे भी सहायता की जाएगी। गोरखपुर न्यूज परिवार ने अपने कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर अपने उप संपादक अजय श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर मृतात्मा को सदगति एवं शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही उनकी पत्नी अनीता को तत्काल 5 लाख की आर्थिक मदद हेतु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उक्त राशि को देर शाम जिलाधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा उनकी पत्नी अनीता को सौंपे जाने के त्वरित कार्रवाई करने और जिलाधिकारी द्वारा शोकाकुल परिजनों को आगे भी यथासंभव मदद किए जाने का सांत्वना देने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, अजय जी गोरखपुर न्यूज से थे, वो हमेशा हमको कवर करते थे, बहुत ही कर्मठ थे। उनका भी अचानक हेल्दी थे, अचानक 2 दिन में वो पीजीआई में एडमिट होते हैं, तो ये बहुत शॉकिंग है। इससे पता चलता है कि पत्रकारिता और पत्रकार लोगों का जीवन कितना स्ट्रेस से गुजरता है। इससे पता चलता है कि पत्रकार बिरादरी बहुत बहुत तकलीफ में भी रहती है, क्योंकि उनका सोना खाना न्यूज़ उनको भागना। तो मैं सबसे कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग भी अपने शरीर का भी ध्यान दें। मैं जान रहा हूँ ये नौकरी है, मैं जान रहा हूँ कि न्यूज़ देना है, मैं जान रहा हूँ कि सबसे पहले न्यूज़ पहुँचाना एक स्ट्रेस है। वो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार हो या प्रिंट मीडिया का हो या फोटोग्राफर हो या कैमरा पर्सन हो, सबके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। मैं क्योंकि मेरा जीवन ही पत्रकारों के साथ 30 साल से बीता, तो मैंने बहुत करीब से देखा कि इनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कम नींद होती है, भोजन का कोई समय नहीं होता, कहीं भी कुछ भी मिलता है हेल्थ के लिए। तो थोड़ा सा अपना अभी आप लोग कृपया सब लोग आप लोग भी खड़े हैं, सब लोग ध्यान दें। जीवन लंबा है, इसको छोटा नहीं करना चाहिए। क्या कहें, मैं मुझ पर भी लागू होता, मैं भी 2-4 घंटे सोता हूँ। बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो कुछ उनके लिए ज़रूर आओ, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। कल हमको पता चला पूज्य महाराज जी से 5 लाख की मदद पहुंच रही है उनके पास, अजय जी के पास। और इनका पांडे जी का भी आज मैं बात करता हूं, और इनकी बिटिया को कहीं जॉब वगैरह, बिकॉज वो बड़ी एजुकेटेड बच्ची हैं और बच्चे छोटे छोटे थे, मैं मिला था 2003 में,
और उनके अजय जी के भी परिवार से मैं मिलूंगा, दोनों परिवार से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को जान के उसका डेफिनेटली निस्तारण किया जाएगा पत्रकारों के लिए। और मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी पत्रकार हैं जो इस स्थिति में जी रहे हैं, आप उनके लिए मैं उसके लिए महाराज जी ने मकान की भी व्यवस्था की है और महाराज जी भी इस पर बहुत सचेत हैं, इस पर ये बहुत ही चिंतन का विषय है और आज मैं इस पर बैठ के इस पर कुछ विचार शाम को करूँगा।